हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। तो कहाँ पर छोड़ा था हमने? पेज नंबर 122 पर हमने तीन क्वेश्चंस कर लिए थे, हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन था। तो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ है, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। तो लिखने से पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जैसे आपने कोई, यहाँ आपने कोई बेल लगा रखी है, ठीक है, इसको आपने, इसे टाई अप कर दिया, बांध दिया। तो क्या होगा, जो टिप होगी ये आपकी है बेल। तो जो टिप होती है, रूट और शूट की टिप पर ऑक्सिन हार्मोन होता है, और ऑक्सिन जो होता है वो टच से सेंसिटिव होता है। जैसे ही ये इसको टच करेगी तो ये जो ऑक्सिन होगा वो दूसरी साइड में, जैसे यहां से टच किया है, यहां से इसने टच किया है, तो दूसरी साइड जो ऑक्सिन होगा वो मूव कर जाएगा, और यहां से जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जबकि जो पार्ट उस सपोर्ट के टच में है वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जैसे यहां ग्रोथ ज्यादा होगी तो वो जो सपोर्ट होगी उसको उसके टर्न अराउंड होता चला जाएगा। देखी होंगी आपने, जो रनर्स होती हैं, जो बेल होती हैं, उनको अगर आप कोई सपोर्ट प्रोवाइड करो तो वो उसके ऊपर क्लाइंब अप हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। तो हम लिख लेते हैं इसका आंसर। ऑक्सिन हार्मोन इज प्रेजेंट एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। इट इज अ टच सेंसिटिव हार्मोन। ये एक टच सेंसिटिव हार्मोन है। तो क्या होगा, व्हेन द टिप टचेस द सपोर्ट ऑक्सिन विल मूव अदर साइड, दूसरी साइड पर ऑक्सिन मूव कर जाएगा, ड्यू टू विच द ग्रोथ ऑन अदर साइड इंक्रीजेस which help the tendril to turn around support। ठीक है, आगे समझ में। जैसे ये है सपोर्ट, ये हमने प्लांट लगा रखा है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है और इसको टच कर गया। जैसे ही टच किया, यहां वाले रीजन से जो ऑक्सिन होगा वो कहां, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, और ये वाला जो रीजन होगा वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो टेंड्रिल होगी वो इस सपोर्ट को घेर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और नेस्टिक नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पर हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट, वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे हम, एक बड़ा सा पॉट लेंगे या गमला लेंगे और उसको मिट्टी से फिल कर देंगे,
ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे एक हमारा सीडलिंग, तो देखो क्या होगा, यहां पर एक रखेंगे मिट्टी का पॉट, मिट्टी का कोई घड़ा रखेंगे या कोई ऐसा बर्तन रखेंगे और उसके अंदर हमेशा पानी भर के रखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा वॉटर है, ये क्या है हमारा एक वेसल है जो कि मिट्टी से बना होगा। ठीक है, ये आपका गमला है और ये आपने पौधा लगाया हुआ है, इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर सिर्फ पानी भरते रहो। इस जो आपने घड़ा रख रखा है या कोई भी मिट्टी का जो वेसल रख रखा है आपने, उसको पानी से फिल करके रखो। तो कुछ टाइम बाद जो इसकी रूट्स थी वो इसकी तरफ मूव करने लग जाएंगी। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ। देखो क्या होगा, जो इसकी रूट्स होंगी वो पहले तो सीधी सीधी मूव कर रही थी, अब क्या होगा, अब इस वॉटर सोर्स की तरफ ये रूट्स जो होंगी वो मूव करने लग जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो गया, हाइड्रो वॉटर ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब वॉटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है रूट या शूट का, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्लांट अ सीड, सीडलिंग इन अ पॉट। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम क्या लेंगे, टेक अ वेसल फिल्ड विद वॉटर है, प्लेस द वेसल नियर सीडलिंग, ये सीडलिंग है। प्लेस द वेसल नियर सीडलिंग एंड kept it in same pot। ठीक है, इसी सेम पॉट के अंदर रखना है जिसमें आपने प्लांटलेट को लगाया है, उसी के अंदर इस वेसल को रखना है और इसको वॉटर से फिल करना है। उसके बाद आप इसका रिजल्ट क्या देखोगे, the roots of plant will bend towards water vessel after some time। ठीक है, कुछ टाइम इंतजार करना, ऐसे नहीं है कि आज लगाया है और आज ही मूव कर गई, ऐसा नहीं है। इसको, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा का ऐसा अनडिस्टर्ब रखना है, सिर्फ वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली फिल होना चाहिए इसमें, अगर कम हो रहा है तो उसका लेवल बढ़ा दो, लेकिन उसको अनडिस्टर्ब रखो, बाकी किसी भी चीज को आपको नहीं छेड़ना है। उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद जो रूट्स होंगी वो मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है पेज नंबर 125 पर, 125 नंबर पेज पर है पहला क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो हॉर्मोन्स की वजह से होगी। In animals,
केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस बाय हॉर्मोन्स। ठीक है, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, या आप कह सकते हो दीज आर केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हो गया, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए। ये हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट contains iodine that is responsible for formation of thyroxine hormone। और ये thyroxine hormone क्या करता है, metabolism को regulate करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होगी तभी तो ग्रोथ होगी। तो हमने बताया आयोडाइज्ड सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। दिस हार्मोन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, गोइटर। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर। घेंगा जो होता है गले में हो जाता है उसको, वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो एड्रेनलिन मैंने क्या बताया था, एक एमरजेंसी हार्मोन है। एमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको। थर्ड है, तो एड्रेनलिन कब सीक्रेट होता है, ड्यूरिंग फाइट और फ्राइट कंडीशन में, जब आप बहुत ज्यादा डरे होते हो या आप किसी के साथ लड़ाई करते हो या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में हो तो एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होगा। ठीक है, तो हम बताएंगे एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड व्हेन we are fighting, frightened, or in stress condition। ये hormone क्या करेगा, this hormone leads to increase the heart beat, blood pressure and breathing rate। सब चीजों को बढ़ा देगा।
अगर आप डर रहे हो तो आपकी क्या सांसें बहुत तेज चलने लगेंगी, आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज बीट करने लगेगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो एड्रेनलिन जब सिक्रेट होता है तो बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। मैंने बताया था कि जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस, वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। तो इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर कम बन रहा है तो क्या करेंगे, उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे इन डायबिटिक पेशेंट द लेवल ऑफ इंसुलिन डिक्रीजेस। ठीक है, सो द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। भाई इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं है, अब जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ही बना रहेगा और ब्लड में मूव करता रहेगा। ठीक है, सो द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस एंड दिस ग्लूकोज स्टार्ट्स अपियरिंग इन यूरिन। और जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है वो अब यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट को एक्सटर्नल किसी सोर्स से इंसुलिन दिया जाएगा, या तो टैबलेट की फॉर्म में या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में। सो टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल दीज पेशेंट आर गिवन द इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा और ये जो ग्लूकोज होगा वो यूरिन के साथ बाहर आने लगेगा। ठीक है, इसलिए इस ग्लूकोज लेवल को, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने के लिए, सो टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए इन पेशेंट को जो इंसुलिन है वो इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन इनको दिया जाता है ताकि इंसुलिन इनकी बॉडी के अंदर पहुंचे और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ तक आप कर लेना, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।